सत श्री अकाल जी, स्वागत है अज इस नवी वीडियो विच। सो आस्ट्रेलिया पेंडिंग रिजल्ट, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कॉल करके भी कि रिजल्ट नहीं आ रहा, मेडिकल होए नो, किसी नू 2 महीने हो चुके हैं, 1.5 महीना हो गया, किसी नू इनटेक लंघ चुके हैं, अगे सीओई वगैरह अपडेट कराने दिती हुई है, कोई समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट जेडे ने स्पैशली नॉर्थ इंडिया के एप्लीकेंट ने कि आ भी रहे हैं, जे आ रहे हैं तो किदां दी स्पीड है जां की सिस्टम चल रहा है, वो बारे गलबात करांगे। सब तो पहला मेरी एडवाइस, चैनल को सबसक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड जिन्होंने अपलाई करना आस्ट्रेलिया, 2021 पासवर्ड बच्चे या 2020 पासवर्ड बच्चों वास्ते ऑप्शन हैगे ने, प्लस टू बेस के उपर बैचलर ही जाऊंगे, वीजा सक्सैस रेट अच्छा है, इतने बैचलर कर चुके हो, 2-4 साल का गैप है, जॉब के प्रॉपर जेन्युइन प्रूफ है तो तुम अपलाई कर सकते हो मास्टर डिग्री वास्ते आस्ट्रेलिया। वीजा रेशो प्रोफाइल से वधिया रहेगी जो डॉक्यूमेंट अच्छे ने। सो जो वीडियो को स्टार्ट करना मैं तो इतने ये मैं लाइन तो जोड़ी है कि जो डॉक्यूमेंट अच्छे मतलब जेन्युइन डॉक्यूमेंट ने उन्होंने दिक्कत कोई नहीं आएगी। हूँ की हुआ सी, मैं बार बार वीडियो चो गल में पहले भी कई कर चुके हैं, इस वेले डिले होने का कारण की तुम सबन पता है, वेरीफिकेशन चल रही, कई चीज़ों ने कई डॉक्यूमेंट गलत लगे, इसी स्पैशल हरियाणा में लैके राजस्थान हो गए या पंजाब के भी हो गए। हूँ जी स्टेटस है, जो मार्च एंड रिजल्ट स्टेटस की गल करिए तो यस, विरले विरले रिजल्ट मतलब एक दो करके रिजल्ट डेली बेसिस के उपर आने स्टार्ट हुए, मतलब थोड़ी बहुत हिलजुल जी स्टार्ट हुई है स्टूडेंट वीजा के रिजल्ट की। इस ज़्यादातर एप्लीकेंट यह जिन्होंने बायो अच्छा चलो मेडिकल होया 1.5-2 महीने तो उपर टाइम हो गया, मतलब इन्होंने लगाई थी फरवरी इनटेक के हिसाब न, जनवरी च मेडिकल हो गया सीगा, उन्होंने कुछ रिजल्ट आने शुरू हो गए जिन्हों का प्रोफाइल अप टू डेट है, मतलब हम जो फरवरी द्लासा लंघ गई ने जिन्हें मार्च से तो अगली सीओई भी तुम्हें देनी पैनी। एक गल नोट कर लैन बच्चे, बहुते बच्चों को शायद ये चीज़ नहीं पता, सीओई जी होंगी है कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, वीजा देने तो पहला हाई कमीशन वेरीफाई करता है कि वह सीओई अजे भी वैलिड हैगी कि नहीं हैगी। दैट मीनस कि अगर वो सीओई जी हम वैलिड नहीं है तो थोड़ा वीजा नहीं आना, इस चीज़ को नोट कर लो, इदा नहीं है कि उन्होंने वीजा दे देना बाद सीओई देखनी, उन्होंने सीओई देखनी है। बहुते बच्चों शायद यूनिवर्सिटीज क्योंकि हम थोड़ा नॉर्थ इंडियन एडमिशन लैके स्ट्रिक्ट हुई ने तो यह दिक्कत आ सकती है, उस केस के करोगे विड्रॉ ही कर सकते हो कि नहीं तो रिफ्यूजल आना। हूँ रिजल्ट जो प्रोफाइल जेन्युइन से अप टू डेट ने, क्योंकि ये भी एक कारण है, जो तुम फरवरी लाया से प्रोफाइल हम अप टू डेट नहीं रहेगा, हो डिले होना, जिदा प्रोफाइल जिन्होंने डायरैक्ट जुलाई वास्ते सबमिशन कीतिया सी जां जिन्होंने प्रोफाइल जेन्युइन सीगे अगे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफिकेशन दे विचों सक्सैसफुल हो रहे, उन्होंने इक्का दुक्का रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, इहदी रियालिटी भी है क्योंकि अगला क्लासा जिहड़ियां ने ज़्यादातर जून जुलाई दे विच आणियां ने, सो फरवरी दे लंघ गईआं। सीओई अपनी जरूर अपडेट कर दो, इस वेले जिहड़े रिजल्ट ने बहुत लो स्पीड दे नाल आ रहे ने ते इह कंटीन्यूटी रहनी है। मैं यही नहीं कहांगा कि तुसीं सोचोगे कि 2-4 दिन दे विच विच 100-200 रिजल्ट आ जाणगे, नहीं, रिजल्ट अजे बहुत लिमिटेड रहने ने, हाई कमीशन इंस्ट्रक्शन होंदियां ने, वह केस होल्ड भी करते हैं, वेरीफिकेशन भी पाते हैं, प्लस अप टू डेट प्रोफाइल दैट मीनस कंप्लीट फाइल, जिन्होंने इनटेक लंघ गई फाइल हुण कंप्लीट नहीं रहेगी, अगली सीओई जी जरूर अपने ईमी अकाउंट अपडेट कर दो, जे हूँ इतने नवे एप्लीकेंट डरते हैं कि ना लगाइए, देखो जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो जुलाई इनटेक फाइलें जरूर लगाओ। मैं अपने एक्सपीरियंस तो दस रहा, आस्ट्रेलिया के जुलाई इनटेक के रिजल्ट स्ट्रीमलाइन रहने ने, एक तो बहुत ज़्यादा जोड़े डॉक्यूमेंट गलत लगते थे वो वाले प्रोफाइल लगने हट जाने, क्योंकि सबन पता कि रिजल्ट का की बनना है, उत्थे रिफ्यूजलस आनी ने उन्होंने वेरीफिकेशन करनी है, तो जो कि जेन्युइन प्रोफाइल होएगा, ज़्यादा गैप नहीं है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट ने, पीटी का स्कोर अच्छा, एडमिशन बैचलर या मास्टर लै रहे, तो इदा के प्रोफाइल से वीजे डेफिनेटली जुलाई च आने, तुम भी इतने हो, मैं भी इतने, तुम जून के देखना तुम मार्केट के अच्छे खासे आस्ट्रेलिया के जुलाई इनटेक के रिजल्ट दिखेंगे, बच्चे ट्रैवल भी करेंगे एंड आस्ट्रेलिया पॉजिटिव लाइन्स से ही रहेगा। हूँ रिजल्ट अजे स्लो ने, अगले कुछ टाइम स्लो रहेंगे, मेडिकल तो बाद 2 महीने मिनिमम तुम मान के चलो, ऑनलाइन प्रोसैसिंग टाइम कुछ ज़्यादा भी लिखा हुआ, बट डोंट वरी, जिन्हों का जेन्युइन चीज़ें है डिले जरूर है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट जोड़े ने डेफिनेटली आ सकते, बाकी प्रोफाइल अप टू डेट जरूर रखो। होर इदा की इनफॉर्मेशन वास्ते चैनल में सबसक्राइब कर लो, एंड जिन्होंने आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा अपलाई करना पहला प्रोफाइल की असैसमेंट करा लो, एलिजिबल हो तो ही असं एप्लीकेशन एक्सैप्ट करा, नहीं तो कंट्री सजैसट कर देंगे तो वास्ते कि कंट्री जी बैटर है। 9041090410 से कॉल कर लो, जे ऑफिस आना चाहते हो लुधियाना आ सकते हो, अमृतसर जलंधर जो भी ब्रांच तुम्हें नियर बाय पैंती उ आकर विजिट करके अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो, अपना एडमिशन जोड़ा
ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।